नमस्कार, आप देख रहे हैं IR24 न्यूज और मैं हूँ कुमार देव। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जदयू रोहतास के द्वारा सासाराम के नूरनगंज स्थित प्रभात मैरिज हॉल में तौफीक आलम की अध्यक्षता में जदयू कार्यकर्ता मुज्तफा अहमद उर्फ गुड्डू जी सहित अल्पसंख्यक समुदाय की जनता दल में सदस्यता ग्रहण करने पर मिलन समारोह एवं स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधान पार्षद सह प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश जदयू के तनवीर अख्तर जी मौजूद रहे और वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला अध्यक्ष जदयू रोहतास के नागेंद्र चंद्रवंशी और सासाराम विधानसभा के विधायक डॉक्टर अशोक कुमार भी मौजूद रहे। इस समारोह में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता समेत आम जनता भी मौजूद रहे और इस कार्यक्रम की शुरुआत की। देखिए IR24 न्यूज की। ये सब जितने भी आज ज्वाइन कर रहे हैं सदस्यता ग्रहण का, सब आप ही के सदस्य समर्थक हैं क्या? हमारे समर्थक हैं, हमारा क्या लगता है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में आपको सीट मिलेगा सासाराम से? सीट मिलेगा जरा सा जरा सा एक काम हो रहा है। अल्पसंख्यक हमारे जिला की तरफ से मिलन समारोह है। RJD से छोड़कर हमारे विधायक के साथ सैकड़ों लोग ज्वाइन किए हैं। इन लोगों की इच्छा थी कि पटना में ज्वाइन करें, हमारे नेता की इच्छा थी कि नहीं आप जाकर उन लोगों को सम्मानित करें और उन्हें ज्वाइन कराएं, उनकी सदस्यता दें। और मैं प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से यहाँ चुनाव के लिए आज आया हूँ। ये लगातार आप देख रहे हैं, पूरा बिहार भी देख रहा है कि 7 तारीख को हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार का वर्चुअल सम्मेलन पटना में हुआ। उसमें लाखों लाख लोग पूरे देश भर से और बिहार से उनको उनके संबोधन को सुना। 8 तारीख को, 8 सितंबर को तेजस्वी यादव ने बिहार में अल्पसंख्यकों की बैठक की है और उस बैठक को जो बुलाया बिहार पटना के अंदर, उसमें तेजस्वी यादव खुद भी नहीं गए और उनकी माता जी जो राबड़ी जी जो पूर्व की मंत्री थी वो भी उस सम्मेलन में नहीं गए। उन लोग पटना में बुलाते रहे हैं पिछले 15-30 साल से अल्पसंख्यकों के बीच में वो डर पैदा करते रहे हैं और उन्हें अपना माई समीकरण के नाम पे वो वोट लेते रहे हैं। और माई समीकरण अच्छी तरह से पूरा बिहार जानता है कि माई समीकरण मुस्लिम और यादव समीकरण नहीं है, बल्कि वो खुद मिस्टर यादव समीकरण होता है और वो परिवारवाद के ही सीमित हो जाता है, परिवार पर सीमित रहता है। तो हमारे नेता यहाँ से ये आज अशोक जी हमारे जिला अध्यक्ष के नियुक्त हैं और अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष रजिया जी, रेहाना जी, इन लोगों की चाहत थी कि सब पटना जाकर ज्वाइन कर। हमारे नेता ने कहा कि नहीं, जब इस तरह से अल्पसंख्यकों को बेइज्जती की जाती है, पटना बुलाया जाता है और विपक्ष के नेता लोग भी नहीं उसमें रहते हैं, तो हमारी पार्टी हमेशा उन्हें गले से लगाकर चलना चाहती है और आप जाए